दोस्तों नीदरलैंड की टीम को हराने के लिए भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने भारतीय टीम में कराई दुनिया के नंबर वन विकेट कीपर बल्लेबाज की वापसी, जबकि इस बल्लेबाज ने T20 में दोहरा शतक ठोककर इतिहास रच दिया और अब इस बल्लेबाज से नीदरलैंड की टीम थर-थर कांपने लगी है। आखिरकार गाइस आप भी जानना चाहते हैं इस भयंकर खिलाड़ी के बारे में, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों ये बात तो आप भली भांति से जानते होंगे कि MS धोनी कितने खतरनाक विकेट कीपर बल्लेबाज थे, जबकि MS धोनी भारतीय टीम के लिए 100% हारे हुए मुकाबले को अकेले दम पर जिता देते थे। मगर दोस्तों जब से MS धोनी ने भारतीय टीम से संन्यास लिया है, तब से लेकर आज तक भारतीय टीम को MS धोनी जैसा विकेट कीपर बल्लेबाज नहीं मिल पाया है। मगर दोस्तों अब वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का नौवा मुकाबला जो कि नीदरलैंड के खिलाफ 12 नवंबर वाले दिन खेला जाएगा बेंगलोर के मैदान पर, इसको देखते हुए भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने भारतीय टीम में दुनिया के नंबर वन विकेट कीपर बल्लेबाज की वापसी करा दी है। गाइस आपको बता दें हम बात कर रहे हैं ईशान किशन की, जबकि ईशान किशन को सोमन गिल के रिप्लेसमेंट पर रखा गया है, क्योंकि दोस्तों सोमन गिल को आराम दिया गया है सेमीफाइनल मैच के लिए। तब तक सोमन गिल आराम करेंगे और इनके रिप्लेसमेंट पर ईशान किशन नीदरलैंड के खिलाफ आपको खेलते हुए नजर आएंगे, जबकि ईशान किशन ने बांग्लादेश के खिलाफ दोहरा शतक ठोककर इतिहास बनाया था। और ऐसे ही ईशान किशन का प्रदर्शन चलता रहा तो मान लीजिए कि MS धोनी को भी बड़ी जल्दी पीछे छोड़ देंगे। मैं इसका अपनी चुका हूँ, बताना क्या ईशान किशन माही भाई को पीछे छोड़ पाएंगे या फिर नहीं।